Yes, this good morning. This is NJ here. Let's view spoken English phrases. Guys and girls, assalamu alaikum. आइए English बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को देखते हैं और इनसे भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. Let's have a look on the whiteboard here. Next, first one is we could not help laughing. We could not help laughing. हम हंसे बगैर ना रह सके. We could not help laughing. हम हंसे बगैर ना रह सके. इंतहाई खूबसूरत जुमला है और इसमें could का इस्तेमाल हुआ है. could एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स जो हैं ये बहुत खूबसूरती से स्पोकन इंग्लिश में और इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज द वेजेस ऑफ सिन इज हेल. बदकारी का सिला जहन्नम है. ये एक प्रोवर्ब है, ज़र्बुल मिसल है. द वेजेस ऑफ सिन इज हेल. बुरे कामों का, बुरे अमाल का नतीजा जहन्नम है. बदकारी का सिला जहन्नम है. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज शी कैन हार्डली स्पीक. वो बामुश्किल बात कर सकती है. She can hardly speak. वो बामुश्किल बात कर सकती है. ये भी एक इंतहाई कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जुमला है और इसमें कैन का इस्तेमाल हुआ है. कैन एक मॉडल वर्ब है और बड़ी खूबसूरती से इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है. शी कैन हार्डली स्पीक, मुश्किल बात कर सकती है. कमज़ोरी की वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी हादसे की वजह से, बीमारी की वजह से अक्सर ये होता है कि बात करना में दुश्वारी पेश आती है, तो उस सिलसिले में जुमला बोला जाता है. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज ही माइट सी यू. शायद वो आपसे मिले. ही माइट सी यू. मेक हेल्पिंग वर्ब है और माइट भी हेल्पिंग और मॉडल वर्ब है और परमिशन के तौर पे, परमिशन, अलाउ और इजाज़त के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है और मुमकिन, शायद के तौर पे भी इसके माने लिए जाते हैं. ही माइट सी यू, शायद वो आपसे मुलाकात करे. इम्कान है कि वो आपसे मुलाकात करे, वो आपसे मिले. ही माइट सी यू, शायद वो आपसे मिले. अगला जुमला देखते हैं. They might take tea. शायद वो चाय पिए. गेस्ट जब आते हैं तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी खातिर तवाज़ो के लिए कुछ लवाजमात का एहतमाम करना पड़ता है, इंतज़ाम करना पड़ता है, तो उसमें गेस्ट किया जाता है कि शायद वो चाय के शौकीन हैं, शायद वो चाय पिए. They might take tea. इम्कान है कि वो चाय पिए. They might take tea. नेक्स्ट वन इज The dog might bite. शायद कुत्ता काट ले. बस डॉग्स जो है वो एज अ गार्ड के तौर पे रखे जाते हैं और बस जो होते हैं डॉग्स वो हाउंड्स होते हैं जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बस डॉग्स जो हैं वो वॉच आउट के लिए एज अ पेट रखे जाते हैं बिल्डिंग्स, हाउसेस और दूसरे जो अहम मकाम हैं उनकी निगरानी के लिए, ख़ासकर रात के वक्त इनको लेट किया जाता है. तो उसी हवाले से ये जुमला है, द डॉग माइट बाइट, शायद कुत्ता काट ले. वहाँ पे आगे नहीं जाने को जाना नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए. द डॉग माइट बाइट, शायद कुत्ता काट ले. और नेक्स्ट वन इज रेल कार कुड बी लेट.
रेल कार को देर हो सकती है। रेल कार एक पैसेंजर ट्रेन है जो मुख्तलिफ शहरों से चलती हुई मुख्तलिफ शहरों तक जाती है, और इसकी टाइमिंग्स होती है उकातनामा होता है जिसके तहत ये अपनी एक मंजिल से चल के दूसरी तरफ दूसरी मंजिल तक पहुंचती है और अप्स एंड डाउन्स ये करती है, तो उसका औकातकार होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये डाउट होता है, ये इम्कान होता है कि मौसम की वजह से या दूसरी किसी प्रॉब्लम्स की वजह से गाड़ियां लेट हो जाती हैं अक्सर, तो इसी हवाले से ये जुमला बोला गया है। रेल कार कुड बी लेट, रेल कार कुड बी लेट, रेल कार को देर हो सकती है, रेलगाड़ी को देर हो सकती है। गाइस एंड गर्ल्स, इंतहाई अहम जुमले हैं, फ्रेजेस हैं। आइए लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए इन्हें एक बार दोबारा से दोहराते हैं। फर्स्ट वन इज वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, हम हमसे बगैर ना रह सके, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। नेक्स्ट वन इज द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, बदकारी का सिला बदकारी का इनाम जहन्नम है, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, बदकारी का सिला जहन्नम है, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, बदकारी का सिला जहन्नम है। नेक्स्ट वन इज शी कैन हार्डली स्पीक, शी कैन हार्डली स्पीक, वो बामुश्किल बात कर सकती है, शी कैन हार्डली स्पीक, वो बामुश्किल बात कर सकती है। नेक्स्ट इज ही माइट सी यू, ही माइट सी यू, He might see you, शायद वो आपसे मिले, He might see you, शायद वो आपसे मिले। Next is they might take tea, they might take tea, they might take tea, शायद वो चाय पिए, they might take tea, शायद वो चाय पिए। Next is the dog might bite, the dog might bite, the dog might bite, शायद कुत्ता काट ले। And last one is rail car could be late, रेल कार कुछ भी लेट, रेल कार कुछ भी लेट, रेल कार कुछ भी लेट, रेल कार को देर हो सकती है। हे यू गाइस, यू हैव टू मेक अ गुड प्रैक्टिस, आई होप डूइंग सो यू वुड बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। सी यू अगेन, गुड बाय।